नमस्कार के मुद्रा में आना है आपको। ये करना, ये जो थंब है इसको प्रणाम मुद्रा बोलते हैं हम। ये जो थंब है, ये जो आपके बोन्स है ना, इसके बीच में जो होल है यहाँ पर रखना है। ये हमारा विशुद्धि चक्र होता है यहाँ पर जी। यहाँ पर रखकर और अपनी जो आर्म्स है उसको आपके अपने अपर पैर से प्रेस करना है। अब इससे होता क्या है, सबसे पहले तो इससे मन शांत होता है। प्रणाम आसन, मन शांत, बिल्कुल श्वासों पर आपका ध्यान रहे। कुछ सेकंड रुकने के बाद इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएं, पहले ऊपर ले जाएं और फिर अपने हाथों को, अपने हेड को साथ में पीछे की ओर ले जाना है। इनहेल करते हुए आपकी गर्दन आगे ना रह जाए या हाथ ज्यादा पीछे ना चले, साथ में जितना आप जा सकते हैं, जरूरी नहीं बहुत ज्यादा बेंड करना है। जितने भी ब्रेथ होल्ड हो, 5 सेकेंड 10 सेकेंड। अब क्या करना है, कमर को सीधा करते हुए सबसे पहले ऐसे खींचना है बाहर, हाथों को बाहर की ओर, अपनी कमर को सीधे करने की कोशिश करनी है। और जब आप ये आसन कर रहे हैं तो आपके पूरे चक्र आपके एक्टिवेट होते हैं, मूलाधार से सहस्रार चक्र तक। ये सूर्य नमस्कार सारे चक्रों को एक्टिवेट करता है। खींचते हुए हाथों को 90 डिग्री फिर नीचे आना है आपको, जहां तक भी आपका टच हो। जो बिगिनर्स हैं वो यहाँ पर टच कर सकते हैं, आपकी एंकल्स पर टोस टच साइड आप हाथ रखें, और अगर आप बहुत अच्छे हैं, एडवांस हैं, तो अपने सर को टच कीजिए यहाँ पर। अब सबसे पहले हम जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट लेग करते हैं। लेफ्ट लेग क्यों, हमारा जो उल्टा पैर है वो इस नाड़ी से, मतलब हमारी चंद्र नाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो जब हम पीछे करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, ठंडी श्वास चलना पहले ज्यादा जरूरी है। तो हम लेफ्ट लेग को पीछे करेंगे इस तरह से अश्व संचालन आसन, और दोनों हाथों को यहाँ पर रखते हुए इनहेल ब्रीथ इन करते हुए पैर को धीरे से नी को नीचे रखेंगे और अपने स्ट्रेच को, बॉडी को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेच फील हो रहा है, आपकी इनर थाई पर, आपके हिप पर, आपकी स्पाइन पर। तो ये आपके चक्रों को भी एक्टिवेट करता है और आपकी लोअर थाई मतलब लोअर बॉडी को टोन करता है। अब इसके साथ हम पीछे जाएंगे पर्वत आसन में ऊपर की ओर। अब इस आसन में जो पर्वत आसन है, अपनी की हील्स जो है, आपकी एड़ियां, उनको नीचे मैट पे टच करने की कोशिश करनी होती है। आप टच करके देखिए आपके काफ्स की तरफ काफी स्ट्रेच आएगा। टच करने में आप टच करेंगे नहीं, फिर वापस नीज मोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपकी लेग्स को टोन करता है, आपके आर्म्स को टोन करता है, और जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइए, ब्रीथ एकदम नॉर्मल। अब अष्टांग सूर्य नमस्कार, मतलब आपके नीज टच होंगे, टोस टच होंगी, हाथ आपके टच हैं। हाँ, देखिए कैसे इस पोस्चर में आना है। पहले क्या थे आप, पर्वत आसन में थे, आपको नीज ऐसे बैंड करनी है और अपनी चिन को ऐसे आगे लाते हुए नीचे की ओर आना है। बिल्कुल रिलैक्स, श्वास एकदम नॉर्मल। ये अष्टांग सूर्य नमस्कार जिसमें हमारे 8 अंग या 6 अंग टच होते हैं। ओके, फिर धीरे से ऊपर टोस को एकदम बाहर निकालते हैं। भुजंगासन, 3 वेरिएशन होते हैं भुजंगासन के। लाइक फर्स्ट जो बिल्कुल बिगिनर है वो ये कर सकते हैं, सेकंड अगर आपके स्पाइन को चेक करना कितनी मजबूत है तो बिना हाथ लगाए इस तरह से, अगर आप बहुत ऊपर आ रहे हैं तो उसका मतलब आपकी स्पाइन बहुत अच्छी है, आप कर पा रहे हैं। और फिर मूव अगर आप बहुत अच्छे स्ट्रेच हैं कर सकते हैं तो भुजंगासन 3rd वेरिएशन। पूरा ध्यान शरीर पर, कहां पर सबसे ज्यादा खिंचाव, स्टमक की ओर, जो आपके स्टमक को, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है वहां पर, इससे आपकी कमर और स्टमक टोन होती है। नीचे आएंगे वापस से बिल्कुल आराम से, टोस को अंदर करेंगे और वापस से पर्वतासन में आएंगे। यस, आपकी एड़ियां, आपके हील्स एकदम फ्लैट, आर्म्स स्ट्रेट, और जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को ऐसे ऊपर की ओर देखेंगे, अगर किसी को सर्वाइकल होता है। अब उल्टे पैर को, लेफ्ट लेग को अपने दोनों हाथों के बीच में रखने का कोशिश करें। इनहेल, वापस तो बोथ लेग्स टुगेदर। आज हस्तासन में जो भी आपका लेवल है
वापस से ऊपर स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए पीछे की ओर, फिर से प्रणाम आसन। इस तरह से सूर्य नमस्कार आपको करना है। आपको पहले मतलब जो आप सूर्य से एकदम स्टार्ट नहीं करना है, करते करते आपको देखना है आपको क्या, अब मतलब जब आपने किया होगा तो आपको पता लगा होगा कि आपने क्या किया है इस टाइम पर। मतलब आपका ब्रेन एकदम शांत हुआ है, आप कर पा रहे हो, मतलब आप देख पा रहे हो कि हाँ ठीक है, मैंने सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा कर